कहीं ना कहीं ये आप नहीं कह सकते 370 और 35 एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको ख़त्म करना शायद ये सबके बस के हाथ में नहीं थी। ये ख़त्म हुआ, इसमें आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कश्मीरी हिंदुओं को जो पलायन कर चुके थे उनको कितना संतुष्टि मिला होगा, लेकिन आज जो हो रहा है उसको भी हम निंदनीय ही कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कश्मीर को स्वच्छ कर दिया, पूरी तरह से कश्मीर को साफ कर दिया, लेकिन महाराज ये 70 साल का कचरा पूरी की पूरी वहीं पल रही थी। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ऐसा क्या लगता है कि कश्मीर में जिस तरीके से जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, आखिर क्या कारण है, हिंदुओं पे ही क्यों टारगेट किलिंग की जा रही है और वहाँ के लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? जी अगर आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करें ना तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं समस्त भारत का ही यही हाल था, वो तो हमें धीरे धीरे पता चलता गया, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस कश्मीर है, वहाँ क्या किया जा रहा है। नाम देखकर इंसान को मार, अब आप खुद सोचिए एक दिन में आप 12 घंटे में 2 लोग मारे गए हैं, एक टीचर की मौत हुई है अभी, आप खुद बताइए वो टीचर खुद मुसलमान के बच्चों को ही पढ़ाती थी, उनकी क्या गलती थी, आपने नाम देखकर क्यों मारा? मतलब तो साफ है ना कि आप हमसे नफरत करते हैं, हम तो आज भी भाईचारा का दुहाई दे रहे हैं, उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा भाईचारा निभाया जाता है जहां हिंदू भाईचारा निभा निभा के चारा बन जाए और आप इस तरह से नरसंहार करें, इस तरह का कार्य करें? माफ़ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें बहुत अच्छे से और काम करना पड़ेगा। मानते हैं ये 70 साल का कचरा है, लेकिन अब तो रुकना होगा, क्योंकि आप सबको ये साबित करने में लग जाइएगा कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम सबको मिला के चल पाएंगे, तो अब ये संभव नहीं है। अब उनको एक तरफा काम ये करना होगा कि जो इस देश में आतंकवादी के हैं, घुसपैठिए हैं, मुगल वंशी हैं, वो उनका अब यहाँ पे कोई जगह नहीं है, अब उनको एकदम क्लीन चिट दे के निकाल दिया जाए और वाकई में ये देश जिनका है उनके हाथों में दिया जाए और अब नरसंहार बंद हो। एक स्पेसिफिक मीडिया द्वारा ये मुद्दा चलाया जाता है, जैसे अल्पसंख्यक समाज पे कोई भी हमला होता है कहीं पर भी मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से जो नरसंहार होता आ रहा है लगातार, हर अगले दिन ऐसा नरसंहार हो रहा है, इस पे ये लोग क्यों चुप बैठे हुए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने सुना है कि यहाँ पे 100 हिंदू हैं उसके बीच एक मुसलमान है वो अपने आप को अनसेफ फील करे या वो मारा जाए, वो काटा जाए? आपने सुना है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसके बीच अगर कुछ हिंदू का घर है ना तो वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कौन कितनी सहनशीलता निभा रहे हैं, आप या हम? और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आप इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और खुद को रोकने का नाम नहीं, और आप कहते हैं अल्पसंख्यक, किस चीज़ के लिए अल्पसंख्यक? मतलब जब किसी को वोट देने का बात आती है तो आप जाति की बात आ जाते हैं, ठीक है, अपने पक्ष वालों, अपने जात वालों को वोट दे देते हैं, जब इस तरह की बातें छिड़ती, जब फ़ायदा लेने, सरकार का फ़ायदा लेने का बात आता है, आप अल्पसंख्यक बन जाते हैं, और जब बम विस्फोट होता है, जब आप आतंकवादी बनकर आप हमें मारते हैं, तब आप अल्लाह के भटकाए हुए बंदे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ये अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक के नाम पे ये देश में जो दकिया नुकी सोच है ना कि अल्पसंख्यक, माफ़ करिएगा, ऐसे लोग अल्पसंख्यक नहीं, और अल्पसंख्यक इस देश में है तो वो सिख है, वो पारसी है, वो जैन है, वो ये तीनों हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी हिंदू पारसी जैन को पत्थरबाजी करते हुए, इस तरह के घिनौने काम करते हुए, कत्लेआम करते हुए? नहीं, ये सिर्फ मुसलमान, ऐसे मुसलमान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो टारगेट किलिंग ही कर रहे हैं ना, वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, पहले वो खुल के कर रहे थे, अब वो डर के कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब वो खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी है, आर्मी किसी बहुत ज़्यादा डिप्लॉय है, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि छुप के कर रहे हैं और कायरतापूर्ण कर रहे हैं। वैसे वो लड़ नहीं सकते हमसे कभी, ना लड़ पाएंगे, लेकिन उनको क्या है कि उनको इस तरह का स्ट्रेटजी उन्होंने यूज करी है कि नया जमाना है, नए तरीके से सोच के उन्होंने करा है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेगी नए तरीके से इनसे। नए कश्मीर की बात कर रही थी मोदी सरकार, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, नया कश्मीर तो बनेगा और बन के रहेगा, गवर्नमेंट ने यही सोचा और होगा, गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी किस तरह से करना है, और वो करेगी ज़रूर। अगर वो उन्होंने नया तरीका निकाला तो गवर्नमेंट के पास भी नए तरीके हैं उसको हैंडल करने के, वो करेगी इसको, उसमें चाहे फिर कुछ भी हो। जब आर्मी अपने पे आएगी तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि मानवता कहाँ चली जाती है, जब उनके लिए कोई मानवता नहीं है तो हम उनके लिए क्यों मानवता दिखाएं? नए कश्मीर की बात कर रहे थे मोदी जी, लग रहा है आपको नए कश्मीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की? टारगेट किलिंग में मैं यही कहूंगा, अगर वो एक मारते हैं ना तो 1000 मारेंगे हम उनके, और सीधा तभी का छाती में गोली मारेंगे, पीछे से नहीं मारेंगे, क्योंकि इनके मजहब में यही सिखाया जाता है कि पाकिस्तान में चले जाइए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को,
हाथ में चाकू लेकर वो ये दिखाते हैं कि जो डॉल्स होती हैं उनको मार रहे हैं, वे वीडियोस हैं, उनको वे क्या बना रहे हैं, वे उग्रवादी बना रहे हैं। उनके जहन में शुरुआत से तैयारी कराई जाती है, शुरुआत से बिल्कुल उनके जहन में, तभी क्या कल्चर में डाला जाता है, उनके शिक्षा में नहीं। शिक्षा में तो ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं, जितनी भी कुरान में आयते हैं उसमें पढ़ सकते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई जो आपके धर्म को ना माने या वो चीज़ ना माने। तो अब ये क्या है कि इनके इसमें क्या है कि ये भरी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर, मोदी जी सारा काम बढ़िया कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी को और मोदी जी को वहाँ का स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और वहाँ योगी जी जैसा एक मुख्यमंत्री बहाल कर दो आप। जब आप उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की आबादी को सुरक्षित कर सकते हो तो कश्मीर आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। मानता हूँ मैं पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, मांगता हूँ वहाँ पर अलगाववादी नेता है, मगर मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ हो रहा है उन्होंने जो दवाई डाली है उसका डोज हैवी करें। वो दवाई डालने के बाद क्या हो रहा है, जो ऊपर ऊपर के जो कीड़े हैं वो तो मर गए, मगर जो अंदर से कीड़े निकल रहे हैं जो बॉर्डर पार से आ रहे हैं उनको हैवी डोज चाहिए। जैसे हम दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, सूबे का जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जब 30 करोड़ लोगों की रक्षा कर रहा है तो एक ऐसा व्यक्ति वहाँ भेजा जाए जो कश्मीर को इस तरीके से जन्नत की रानी बनाए, भारत का मुकुट बनाए कि वहाँ पर शांति हो, एक ऐसा व्यक्ति हो वहाँ पर धाकड़ शेर की तरह, क्योंकि जो हो रहा है वो वहाँ बहुत गलत हो रहा है भाई। राजनीति से ना जोड़ा जाए इस चीज़ों को, क्योंकि राजनीति जब एक कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ होती है और कुछ मुस्लिम भी मारे हैं वहाँ पे। दोबारा पलायन करने की बात कर रहे हैं हिंदू जो लोग हैं अभी जिनके साथ टारगेट किलिंग हुई है, उनके परिवार बोल रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र किया जाए और हम दोबारा से यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। देखिए बहाल तो उनको 2010 और 11 में जब सरकार थी कांग्रेस की तब हुआ था, उनको वहाँ नौकरी दी गई थी, मगर उसके बाद देखिए जिसके ऊपर बीतती है पता उसको होता है, वहाँ से जाने से तो कोई हल निकलेगा नहीं, मगर ये ज़रूर है उनको सुरक्षा भी दी जाए। और एक के बदले 10 की तो बात छोड़ो, एक किलिंग करने से पहले ही उसको चिन्हित करके मार दो। आप ये कोशिश ही ना करो कि किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि कहावत है जिसके घर का जाता है पता उसको होता है और दिए जितके बुझते हैं अंधेरा उसी के घर में होता है। बहुत बढ़िया, 21 साल का लड़का गया है। मैं मोदी जी की तारीफ़ करता हूँ, हर चीज़ में अप्रिशिएट करता हूँ कि वो राष्ट्रीय भक्त हैं, वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में पहचानी जाती है। नए कश्मीर की बात कर रहे थे मोदी जी, आपको लग रहा है कि नया कश्मीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में? देखिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान इस तरीके से बौखला, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से भी हो रहा है ये टारगेट? बिल्कुल पाकिस्तान से घुसपैठी, आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत बड़ा बॉर्डर है, छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है। और कुछ बॉर्डर में वहाँ पर ऐसे संवेदनशील होते हैं कि पानी के रास्ते, नालों के रास्ते, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वो कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ, मगर बहुत से रास्ते हैं जहाँ से घुसपैठी आते हैं, बहुत से मारे भी जाते हैं। एक का बदला 10 है, मगर क्यों ना उस एक को मारने से पहले ही आप 100 को मार दो। जब 30 करोड़ के लिए एक ऐसा व्यक्ति आपने चुना है तो आप पूरे इंडिया में बयान देख रहे हैं ना, मेरा पहला बयान ऐसा होगा कि मोदी जी एक ऐसा बंदा चुनिए आप कश्मीर के लिए जो कश्मीर की जनता को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको आप सुरक्षा प्रदान दें, वो चौड़े होके जाए, चाहे उसके बैग में असला हो, चाहे उसके थैले में हो। देखिए हमें ये नहीं देखना कि पत्थरबाजी बंद हो गई है चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, आखिर क्या मुख्य कारण है? वहाँ के लोग क्या इतने सालों से वो लोग रह रहे हैं हिंदू लोग, उनके आस पड़ोस के भी लोग जो अल्पसंख्यक लोग हैं या दूसरे अल्पसंख्यक को तो नहीं कह सकते, मेजोरिटी में हैं वो लोग अभी वहाँ पर, तो वो लोग भी तो उनका समर्थन कर सकते हैं कि आखिर क्या कारण है कि वो लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी चुपचाप रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, फिर यहाँ कहाँ भाईचारा आ गया? ये लोग तो वैसे भाईचारा की बात होती है कई बार देखा जाता है हमें। देखिए कुछ अड़ोसी पड़ोसियों ने, देखिए वहाँ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या किसी अमेरिका से तो लोगों ने आके मारा नहीं था कश्मीरियों को। जब 1990 में नरसंहार हुआ था वहाँ पे तो सारा झगड़ा आसपास के लोगों ने शुरुआत करा था, कोई गेंदे की माला लेके नहीं गया था। मैं 1990 के दशक की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे AK-47 और वो लकड़ी काटने वाली, पेड़ काटने वाली मशीन में आरियों से काटा गया था। वहाँ के लोकल बंदे भी बताते हैं, बात कश्मीर फाइल मूवी का नहीं है, मैंने बताया राजनीति वाली बात नहीं है, कि वहाँ के लोकल लोग कुछ नहीं चाहते हैं, सारे नहीं, कि यहाँ पर हिंदू रहे ना पलायन कर जाए। वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आवाज़ तो उठानी चाहिए ना कम से कम। उनके आवाज़ उठाने वाले को भी मारा जाता है, आपको मालूम है वहाँ पर पंचायत के इलेक्शन के चुनाव हुए, उसमें BJP के मुस्लिम सरपंच चुने गए, उनको भी मारा जा रहा है क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उनको वो काफिर कहते हैं जो मोदी जी की रणनीति में चले, जो राष्ट्रवाद की बात करे, जो BJP में रजिस्ट्रेशन करा ले अपना, उसको वो कहते हैं कि ये काफिर हो गया, ये अंधभक्त हो गया। कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि राजनीति ना करके अगर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की देखा जाए, ध्यान दिया जाए,
और योगी जी जैसा, मैं तो कह रहा हूँ अगर योगी जी को भी वहाँ एक साल के लिए बैठा दिया जाए ना तो क्या हो जाएगा प्रदेश में, बहुत कुछ हो जाएगा। वहाँ आधे लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे। कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये इसमें तो देखिए ये है कि अब इनके पास, ये पहले क्या होता था, पहले हमारे देश के जवानों को बनाया जाता था टारगेट, पहले जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उनको गोली मारी जा रही थी। लेकिन अब जब से धारा 370 हटी है अब आम लोगों को बनाया जा रहा। क्यों? सेना का तो अब ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इनका बाप बैठा है, इनका बाप बैठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए ये है इसमें दिक्कत। तो अब ये आम लोगों को टारगेट बना रहे हैं और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं कश्मीर में, ठीक है ना, तो खाली हिंदुओं को स्पेशल टारगेट बनाया जा रहा है और वहाँ पर उनके जो भी भाई वाई दोस्त वोस्त जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं कोई आवाज़ नहीं उठाता है उनके लिए? वहाँ पे वो पाकिस्तानी और वो बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा है ना। नहीं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की, कश्मीर की ही, मैं भी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी पाकिस्तान के लोग बहुत हैं, बहुत लोग हैं वहाँ पे भी। मतलब आपका कहने का मतलब है कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक लोग बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, अगर ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, ये क्या फंडिंग आती है ISI से और पाकिस्तान से फंडिंग आती है? तो ये क्या हुए, ये यहाँ के थोड़ी हुए, ये यहाँ के नहीं हुए, ये फिर वहीं के हैं, तो बहुत मिलेंगे, एक दो नहीं है भैया, बहुत मिलेंगे। यासुम मलिक जा चुका है, उम्र कैद उसको हो चुकी है, अब धीरे धीरे करके उसके जैसे पता नहीं कितने हैं वो भी जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका।